नमस्कार, मारुति मल्टीमीडिया में स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर से पूरा एक बंडल दूंगा, जिसको मैं संपूर्ण वादन कहता हूँ हिंदी में, जिसमें मैं आपको कीर्तन और भजन के हिसाब से मैं आज आपको एक बहुत ही शॉर्ट सा, बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही सरल एक बंडल देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक उठान दूंगा, एक बोल दूंगा, एक तिहाई दूंगा, ये बहुत ही नॉर्मली, पर इनको एक साथ लगाना कैसे, वो सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं बजा के आपको दिखाता हूँ, फिर उसको मैं समझाता हूँ कि कैसे बजता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल सा है, यदि कोई बिगिनर्स भी हैं तो इसको आराम से सीख सकते हैं। तो जो मैंने सबसे पहले उठान बजाई है, वो उठान कुछ इस प्रकार से देखिएगा आप। उठान है ता तीट ता तीट ता। अभी मैं एक एक शब्द को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कौन सा बजता है। ता यानी ना, पहली यानी इंडेक्स फिंगर से हम इस किनारी पे मारेंगे तो ना बजता है, और ये ना को ही ता कहा जाता है। ठीक है, ना और ता आर द सेम, दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, तो ये हुआ ता। अगला वर्ड है तिट। तिट के लिए हमें क्या, पहली फिंगर को थोड़ा सा मध्य में ले आके चिपकाना है, ती, दें ये दो फिंगर को बाद में, और आपको वहीं पर रखना है ट। कैसे, ती ट ती ट। फिर से देखते हैं, पूरी उठान में सिर्फ दो ही अक्षर है, ता और तिट। कैसे बजेगा फिर से समझते हैं, ना या ता, यानी ता बजाना आपको, ता और तिट के लिए पहली अंदर, पहली फिंगर को अंदर चिपका के ती, देन दो फिंगर बाद में लगा के ट, ती ट। तो क्या हुआ, ता ती ट। ठीक है, तो इसको दो बार बजाना है, ता ती ट ता ती ट ता। उठान हो गई ता ती ट ता ती ट ता। अब इसमें अंदर खास बात ही ध्यान रखने की, लेफ्ट हैंड पे भी इसमें कुछ काम है, वो है थाप का। तो जितने भी ता शब्द हैं, तो इस उठान के अंदर तीन बार ता शब्द हैं, तीनों ता पे आपको थाप लगानी, जैसे मैं आपको लेफ्ट में लगा के बताता हूँ, चेक कीजिएगा। तो उठान के लिए क्या करना है, ये जो ता बज रहा है इसके साथ आपको लेफ्ट में ऐसा दबाना है, अंदर से बंद करना है। ठीक, तो उठान को देखते हैं फिर से हम, ता ती ट ता ती ट ता। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास करना है, कोई भी बोल का यदि आप जल्दी में अभ्यास करेंगे तो आप, हो सकता है कि तिट को जल्दी बजा दें, ता को धीरे ले लें, तो इससे क्या उसका रिदम बिगड़ जाएगा, लय बिगड़ जाएगी, और जो चीज़ हम बजाना चाहते हैं वो नहीं बजेगी। तो खैर, मैं आपको बता रहा हूँ कि ता तीट ता कैसे बजता है। तो ता ती ट ता ती ट ता ता ती ट ता ती ट ता ता ती ट ता ती ट ता। थोड़ा थोड़ा इसको यदि आप ग्रेजुअली ग्रेजुअली इसकी थोड़ी सी आप स्पीड बढ़ाएंगे तो ये अच्छे से वर्क करेगा। यदि आप पहली बार इसको बजा रहे हैं तो ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, पहले बोल हाथ में आना चाहिए, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ना चाहिए। तो अब इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ, ता ती ट ता ती ट ता। तो ये बहुत सरल सी उठान है, तातीट तातीट ता। एक मैंने एक बहुत ही अच्छा एक भजनों के लिए और एक संकीर्तन कीर्तन के लिए बहुत अच्छा सा एक बोल है, चार मात्रा का बोल है, जो मैं अभी अक्सर देता रहता हूँ, इस बंडल के लिए स्पेशली वही दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचलित का बोल है, बहुत ज़्यादा चलने वाला बोल है, स्पेशली आप मध्य लय में इसको बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो बोल है धिट नाना तिट धाना। देखिए कैसे बजेगा, तो धिट धिट के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको तिट बजाना सिखाया था, इसी उठान के अंदर तिट बजाना सिखाया था। तिट कैसे बजाते हैं, पहली फिंगर है इंडेक्स फिंगर को अंदर लगाएंगे ती, देन बाकी की तीन उंगली लगा के ट ती ट। अब इस तिट के साथ यदि हम लेफ्ट का घे यदि इन्वॉल्व करते हैं तो धिट बनता है। कैसे, धीट, पहली फिंगर के साथ घे लगाइएगा, धीट
ठीक है। तो पहला शब्द मैंने सिखाया धेट धेट, उसके बाद है नाना। नाना मतलब पहली दो पहली उंगली से दो बार किनारे पे मार के ना बजाना, नाना। उसके बाद तीसरी मात्रा है तिट। तिट मैंने अभी आपको बताया था, पहली फिंगर ने लगा के ती, देन नीचे की तीनों लगा के ट, तिट। और धाना के लिए ना के घे के साथ मिलाएंगे, धा बनेगा, धा। फिर राइट में सिंगल ना, धा ना। एक एक अक्षर फिर से सिखाता हूँ मैं, आप चेक कीजिएगा। तो ये हुआ धिट धीट, ना ना, तीट, धाना। अब इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना, जो धीट ना ना तीट धाना, ये जो आठ अक्षर और चार मात्रा का जो बोल है, इसमें चौथा अक्षर जो है वो धीट ना ना, जो चौथा ना है उसके साथ आपको लेफ्ट में एक थाप लगाना चाहिए, जैसे मैंने अभी उठान में लगा के बताई थी, वैसे ही आपको इसके अंदर भी थाप लगाना चाहिए। इससे रिदम बहुत अच्छा होता है, बोल में खूबसूरती आती है। आप जितना जल्दी बजाएंगे या जैसे ही बजाएंगे, आपका बोल हमेशा लयात्मक रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, यदि आप एक चौथे अक्षर पर एक थाप लगाते हैं तो ये खूबसूरती बढ़ाता है। तो फिर से देखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। तो धिट बजाने के लिए मैंने सिखाया था तिट के साथ घे, तो धीट ना ना, चौथा अक्षर दूसरा ना है इसलिए मैंने उसके साथ थाप लगाई है, ठीक है। फिर से देखते हैं, धीट ना ना, तीट धा ना, धीट ना ना, तीट धा ना। धीट नाना तीट धाना। अभी जैसे जैसे आप इसको बजाते रहेंगे, जब तक बोल हाथ में नहीं आए तब तक आप बहुत धीरे बजाना है, पर जैसे ही थोड़ा सा आप बजाने लग जाएं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं। धीट नाना तीट धाना, धीट नाना तीट धाना, धाना। मैं आपको जो बोल बता रहा हूँ, एक्चुअली आप इसको बहुत सी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, रामायण है, भजन है, कीर्तन है, आरतियाँ हैं, आप चाहे जिसमें इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको जैसे एक दो उदाहरण बजा के दिखाता हूँ। मान लो हनुमान चालीसा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी धन। बड़ा आराम से हनुमान चालीसा में भी लगा सकते हैं आप, आरती में भी लगा सकते हैं। जय जगदीश हरे, मान लो आरती है, जय जगदीश हरे। अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि सब ये जो बोल है, जैसा जिस स्पीड में तैयार होगा उसी स्पीड के गाने पे लग सकता है। मध्य लय में यदि आप तैयार करते हैं, मध्य लय का तैयार होता है, तो मध्य लय के भजनों में आप आराम से इसको लगा सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड से मेरे साथ जुड़ते हैं, इंडिविजुअली क्लास लेते हैं मेरे से, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू घर बैठे तबला ढोलक पखावत सीखते हैं। यदि आप भी सीखना चाहें ना, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लास के लिए। और यदि बेस्ट से बेस्ट इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते हैं, जैसे मेरे पास अभी एक इंस्ट्रूमेंट है, सामने ढोलक दिख रही जा रही है, एक्चुअली में जर्मनी जा रही है, बहुत ही क्लास ढोलक है। ऐसे मेरे पास बहुत से मॉडल हम ढोलक में भी रखते हैं, तबला पखावज और भी इंस्ट्रूमेंट हम बेचते हैं। यदि आप चाहते हैं यदि हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट लेना, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग होता है, हमारा खुद का प्रोडक्ट है। तो आप चाहें तो उसके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं, वो भी आपको मिल सकता है। तो आगे मैं एक आखिर में बताने वाला हूँ, वो है तिहाई। तिहाई इट मीन्स एंडिंग। तिहाई बजा के आप वादन को ख़त्म कर सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, पर उसका जो मेन उद्देश्य होता है तिहाई का, वो होता है वादन की एंडिंग करना। और जो उठान का जो मेन उद्देश्य होता है, वो वादन को स्टार्ट करना, मतलब शुरुआत करना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप उठान लगाएंगे और एंडिंग में आप क्या लगाएंगे, तिहाई। तो तिहाई जो शब्द होते हैं वो तीन बार बजाना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि तिहाई है क्या।
टीआई कुछ ऐसी धा धा तिट धा 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 तिट धा धा तिट धा, इसमें तीन मात्रा का जो बोले धा धा तिट धा, इसको हम तीन बार बजा रहे हैं। ठीक, तो वही शब्द जिस शब्दों से हम आए हैं, तो धा यानी ना और घे मिला के धा धा तिट, अभी सिखाया था आपको तिट धा, तो मैं थोड़ा सा आपको पहले इसको बजा के दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। धा धा तिट धा 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 तिट धा 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 तिट धा, ठीक है, धा धा तिट धा 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 तिट धा 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 तिट धा, तीन बार बजाकर इसको हमको बंद करना चाहिए। बड़े सरल से तिहाई है। मैंने आज के लेसन में आपको एक बहुत ही अच्छा एक बंडल दिया है, जिसमें मैंने आपको एक उठान, एक बोल और लास्ट में मैंने आपको एक तिहाई, तो सब कुछ मैंने आपको सिखाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। यदि अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले बहुत सारे वीडियो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।